यूपी बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम गलालखेड़ी निवासी किसान राजपाल सिंह उम्र 40 वर्ष की गल्लाखेड़ी रवाना होते हुए सल्लाखेड़ी के समीप करूला नदी पर हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर हुई मौत। आज सुबह लगभग 6 बजे गल्लाखेड़ी निवासी राजपाल किसी कार्य से सल्लाखेड़ी जा रहा था। करूला नदी के समीप GNS वालों द्वारा खींची गई नई लाइन जो रास्ते में पड़ी थी, जिसमें पुरानी हाई टेंशन लाइन का विद्युत तार नई लाइन से टकरा गया था, जिसके कारण आग लगने से पेड़ टूट गए थे, जिसमें कट आ रहा था। कट की चपेट में आने से ग्रामीण के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसी समय ग्राम सल्लाखेड़ी के स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे थे। उन्होंने हादसे की गांव में जाकर सूचना दी, जिससे स्कूली बच्चों के साथ बड़ी घटना होने से बची। मौके पर परिजन पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइन नीचे होने के कारण कई बार बिजली विभाग को सूचना लाइन नीचे होने की दी गई, परंतु बिजली विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। परिजनों ने विद्युत विभाग के विरुद्ध थाने में तहरीर दी। मौके पर नूरपुर से सपा विधायक हाजी नईमुल हसन ने परिजनों को सत्यवाना देते हुए कहा कि वह परिजनों की पूरी मदद करेंगे, साथ ही अपनी निधि से मृतक के परिजनों को 1,00,000 रुपये देने का भी आश्वासन दिया और उचित मुआवजा भी दिलाएंगे। सपा विधायक के साथ जिला पंचायत सदस्य युवराज सिंह, MLC परवेज अली के प्रतिनिधि नासिर हुसैन आदि रहे। ताजपुर बिजली घर के JE गजेंद्र सिंह का घटना के बारे में कहना है कि यह घटना GNS नई विद्युत लाइन लगाने वालों की वजह से हुई है। शमशाद सैफी की रिपोर्ट। दुर्घटना हो गई। अच्छा, फिर सब का क्या हुआ? सब हम लेकर आ रहे थे थाने के लिए, तो हमें बुढ़नपुरी रोक लिया गया पुलिस वालों ने। कोई थाना गलत थोड़ी है जो कि हमें रोक लिया गया वहाँ पे। हम तो सही जगह लेकर आ रहे थे थाने में, हमें वहाँ भी रोक लिया गया। 20 पुलिस वाले थे, 3 गाड़ी थी वहाँ पे, तो हमें अंदर नहीं आने दिया थाने के अंदर, मैंने वहाँ भी रोक लिया गया। अब पाए सब सब पोस्टमार्टम के लिए कह रहे कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हमें यहाँ पे लिया। तो पूरी लापरवाही विद्युत विभाग की? हाँ जी, बिजली विभाग की तो पूरी लापरवाही है सर। उससे जैसे कई दफा क्या किया गया था। विधायक जी, तो बिजली से मौत हुई है मजदूर की, क्या है पूरा मामला है? ये पूरा मामला है बिजली विद्युत विभाग की बहुत लापरवाही, जिसमें गरीब की जान गई। ये गरीब सुबह सुबह जा रहा था और जो बिजली विद्युत जो लाइन नहीं बनी है, उस लाइन से आगे जो लाइन है 11,000 की लाइन पर, उधर की लाइन आने से ये फॉल्ट हुआ और फॉल्ट होने से इस बेगुनाह की, ये गरीब आदमी की जान चली गई। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए क्या, हम लोगों ने सबसे बिजली विभाग से कहा, बिजली विभाग की लापरवाही एज जो लोगों की मांग पे, उसके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई गई है। जो वहाँ पर JE था गजेंद्र सिंह और बाकी सभी उच्च अधिकारियों की नॉलेज में डाल दिया गया है। जो भी इस परिवार की मदद होगी, जैसे उसके नाम 2-3 बीघे ज़मीन थी, तो किसान दुर्घटना बीमा में 5,00,000 की मदद, और जो भी विद्युत विभाग से होगा, मेरी बात हुई थी अधिकारियों से, जो भी होगा उसके लिए करवाया जाएगा।